गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस ये क्लास नाइन्थ के इंग्लिश के बिहेव टेक्स्ट बुक के अप्रोच का चैप्टर नंबर एट है रीच फॉर द टॉप इसमें दो पार्ट है फर्स्ट पार्ट है संतोष यादव एंड सेकेंड पार्ट है मारिया शरापोवा तो फर्स्ट पार्ट जो है संतोष यादव इसका हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करा दिया है जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है एमसीक्यू है शॉर्ट आंसर है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रीच फॉर द टॉप का जो सेकेंड पार्ट है मारिया शरापोवा इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन तो ये बिना देर के स्टार्ट करते हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन इसके पहले की कोई भी वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्ले लिस्ट से आप उसे देख सकते हैं रीड पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इसमें फर्स्ट नंबर पैसेज है देयर इज समथिंग प्रिपेयर्ड टू एंड्योर इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर इज यानी साइबेरियाई मूल का किशोरी है ये ऑप्शन है शेरेना विलियम्स बी ऑप्शन है मारिया शरापोवा, सी ऑप्शन है सानिया मिर्जा और डी ऑप्शन है सिमोना हैलेप तो इसका सही ऑप्शन है बी मारिया शरापोवा। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है एज एकथिंग इन मैं एक्सट्रैक्ट यानी आपके अनुसार वह कुछ क्या है जैसा कि उदड़ में बताया गया है ए ऑप्शन है डेडिकेशन यानी समर्पण बी ऑप्शन है करेज यानी साहस हिम्मत सी ऑप्शन है सेंसियार्टी यानी ईमानदारी और डी ऑप्शन दीज ये सभी तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑफ दीज ये सभी इसमें थ्री नंबर क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डिड मारिया टेक्स टू रीच द टॉप पोजीशन यानी मारिया को शीर्ष स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगा ऑप्शन है टू इयर्स बी ऑप्शन है फोर इयर्स सी ऑप्शन है थ्री इयर्स और डी ऑप्शन है फाइव इयर्स तो इसका सही ऑप्शन है बी फोर इयर्स इसमें फोर नंबर क्वेश्चन है वेयर वाज मारिया शरापुआ बार्न यानी मारिया शरापुआ का जन्म कहाँ हुआ था ए ऑप्शन है अमेरिका बी ऑप्शन है साइबेरिया सी ऑप्शन है पेरिस और डी ऑप्शन है पोलैंड तो इसका सही ऑप्शन है बी साइबेरिया इसमें सेकंड नंबर पैसेज है आई यूज टू बी शो लोनली सक्सेस एंड इस्टरडम इस पैसेज so इस पैसे का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ इज नॉट ट्रू एज पर गिवन एक्सट्रैक्ट यानी दिए गए उद्रण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है ए ऑप्शन एफ मारिया आवाज बॉर्न इन द यू एस एनि मारिया का जन्म यूएसए में हुआ था बी ऑप्शन एफ सी ने मारिया है चाइल्ड हुड टू अचीव सक्सेस यानी मारिया को सफलता पाने के लिए अपने बचपन का बलिदान देना पड़ा सी ऑप्शन एफ मारिया मारियावाज वो लीड बाई हर बैचमेंट्स यानी मारिया को उसके बैचमेंट्स द्वारा धमकाया गया था डी ऑप्शन है मारिया ट्रिप टू फ्लोरिडा लॉन्च हर ऑन दी पाथ टू सक्सेस यानी मारिया की फ्लोरिडा यात्रा ने उन्हें सफलता की राह पर अग्रसर किया तो इसका सही ऑप्शन है ए मारिया वॉज बॉर्न इन द यू एस एनि मारिया का जन्म यू एस ए में हुआ था ये गलत है इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड इटेइंग इन द यू एस ए चेंज्ड हर लाइफ यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने से उसका जीवन कैसे बदल गया ए ऑप्शन इट प्रोवाइडेड हर द पाथ टू सक्सेस एंड स्टडम यानी उसने उन्हें सफलता और स्टडम का मार्ग प्रदान किया बी ऑप्शन इट प्रोवाइड्स हर द कॉन्फिडेंस यानी इससे उसे आत्मविश्वास मिला सी ऑप्शन इट मोटिवेटेड हर टू अचीव हर गोल्स यानी इसने उसे अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया और डी ऑफ्सन इट गिव हर स्ट्रेंथ टू फेस प्रॉब्लम्स यानी इससे उसे समस्याओं का सामना करने की ताकत मिली तो इसका सही ऑप्शन है ए इट प्रोवाइड्स हर विद टू सक्सेस एंड इसमें थ्री नंबर क्वेश्चन है आई यूज टू बी शोन लोनलीड दिस में बहुत अकेली रहती थी यह किसने कहा ए ऑप्शन है मदर बी ऑप्शन है फादर सी ऑप्शन है मारिया और डी ऑप्शन अनादर प्लेयर तो इसका सही ऑप्शन है सी मारिया इसमें फोर नंबर क्वेश्चन है फाइंड अ वर्ड विच मीन्स अवे फुली यानी ऐसा शब्द ढूंढे जिसका अर्थ अवे फुली हो ए ऑप्शन है टेरिबली यानी भयानक बी ऑप्शन है लोनली यानी अकेला सी ऑप्शन है रिकाल यानी स्मरण करना और डी ऑप्शन है बिलिंगली यानी स्वेच्छा से तो इसका सही ऑप्शन है ए टेरिबली इसमें थ्री नंबर पैसेज है स्ट्रीट लुक्स एंड दैरेट्स हर रशियन नेशनलिटी इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द सेक्रीफाइसे रेफर टू तो, इन रेफर टू इन उद्रण में उल्लिखित बलिदानों का उल्लेख है ए ऑप्शन है स्टेइंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स यानी माता पिता से दूर रहना बी ऑप्शन है गोइंग थ्रू बुल्लिंग यानी बदमाशी से गुजरना सी ऑप्शन है स्टेइंग बिल्कुल अकेले रहना और डी ऑप्शन है आल ऑफ अबव उपरोक्त सभी तो इसका सही ऑप्शन है डी आल ऑफ अबव उपरोक्त सभी इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है चू दी करेक्ट ऑप्शन दैट लिस्ट दैट दे मारियापोआ प्लेज यानी मारिया सारापोआ द्वारा खेले जाने वाले खेल को सूचीबद्ध करने वाला सही विकल्प चुनिए ए ऑप्शन है टेबल टेनिस बी ऑप्शन है हॉकी सी ऑप्शन बैडमिंटन और डी ऑप्शन है टेनिस तो इसका सही ऑप्शन है डी टेनिस इसमें थ्री नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मारिया सरापोवा यानी मारिया शरापुआ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ए ऑप्शन ए मारिया इज़ वेरी एम्बिशियस मारिया बहुत महत्वाकांक्षी है बी ऑप्शन ए मारिया वुड लाइक टू प्ले फॉर रशिया एज वेल यानी मारिया रूस के लिए भी खेलना चाहेगी सी ऑप्शन ऑफ्सन मारिया स्पीक्स एन ए अमेरिकन एसेंट यानी मारिया अमेरिकी लहजे में बोलती है डी ऑप्शन ए मारिया डज नाट है रशियन सिटीजनशिप यानी मारिया के पास रूसी नागरिकता नहीं है तो इसका सही ऑप्शन है डी Maria does not have a यानि मारिया डीजनशिप यानी मारिया के पास एक रूसी नागरिकता नहीं है यह बात सही नहीं है इसमें फोर नंबर क्वेश्चन पैर मीन्स यानी प्राउडली पैर वा कैंस का अर्थ है ये ऑप्शन टू शो ऑफ दिखावा करना बी ऑप्शन टू डिस्प्ले पब्लिकली यानी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना और सी ऑप्शन है टू तो बी प्राउड ऑफ इन गर्व करना और डी ऑप्शन है बॉथ बी एंड सी यानी बी और सी दोनों तो इसका सही ऑप्शन है डी बॉथ बी एंड सी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर कीजिएगा थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग